एक तरफ गिरफ्तारियां हैं, दूसरी तरफ अदालती मसले उलझाओ है, ये कब तक नॉर्मलाइज होते हुए आपको दिखाई देते हैं? जब तक जुर्रत न कर ले और बिल्कुल हेड ऑन न ले, निकलना होगा रोडों पे, सड़कों पे, चौराहों पे, मिलियन मार्च भी करना होगा। एक दफा कौम को निकालो 72 घंटे के लिए, पाकिस्तानी निकल जाए पाकिस्तान के सड़कों पे और पाकिस्तान के चौराहों पे, यकीन करें ये तमाम जबर का खात्मा होगा। लेकिन ये अगर इसी तरह सर छुपाएंगे तो हर रोज मार खाएंगे। यार जंगल और बेसिकली जो सोशल मीडिया वॉरियर थे और जिस तरीके से इन्होंने 2 सालों में अमली तौर पे जो शिकस्त दी है इन ताबूती ताकतों को, इन जलम के पुजारियों को, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि जो भी इनका नैरेटिव बनता है सोशल मीडिया जो है वो इसको डिमोलिश कर देता है। और ये इनकी जमहूरी अखदार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है इसको जिस तरीके से बार बार ये इसके तकद्दस को पामाल कर रहे हैं, चादर चार दीवारी को, और अच्छा है ये अपनी मट्टी मजीद पलीद कर रही है। मरवत साहब आप पीटीआई में हैं अभी के पीटीआई छोड़ दी है, ये किस तरह का सवाल कर रहे हैं सर? कोई आपका बयान नहीं, बयान मेरा आएगा यार, वो सवाल करो ना, क्या छोड़ दिए भाई? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कौमी असम्बली हूँ और फिलवक्त जो है वो पार्टी ने जो है वो मेंबरशिप सस्पेंड की हुई है, तो मैं आजकल ज़रा थोड़े से आराम से हूँ, साइड पे हूँ 1.5 साल। अच्छा मरवत साहब आपके इख्तलाफात रहे हैं रऊफ हसन साहब से, गिरफ्तार हुए, क्या कहेंगे इस पर? मैं गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ जी। अच्छा इसके साथ साथ शेरफ अफजल मरवत साहब, आज पीटीआई ने भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है पार्लियामेंट हाउस के सामने 3 बजे, तो उस पर क्या टेक है, एक करामत साबित होगा भूख हड़ताल? मुझे इलम नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हुई है। क्या अनाउंसमेंट हुई है? 3 बजे भूख हड़ताल किया जाएगा पार्लियामेंट के सामने, अलामती भूख हड़ताल होगा, अलामती भूख हड़ताल। बहरहाल इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, किसी भी शक्ल में हो एहतजाज जो है वो जारी रखा जाना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन के एहतजाज में आप नजर नहीं आते, क्या वजह से सर? ना कि सिटीआई के जो पार्लियामेंटेरियन एहतजाज करते हैं, मैं चूंकि आप अगर देखें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी ऑफिशियल मीटिंग हो रही है उसमें मुझे मदू नहीं किया जाता है, तो लिहाजा मुनासिब नहीं होता है। मरवत साहब आपके लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी रुकनीत मुअत्तल करने के बाद, आप उसके सामने पेश होंगे या क्या आपका लाइन? आपको मैं अपनी जगह पेश होने के लिए पेश। अच्छा मरवत साहब, मरियम नवाज साहबा कहती हैं हमें 5 साल पूरे करने दिए जाए, जजेस को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि ये रखने ना डालें हमारे रास्ते में, वो कहते हैं हमें 5 साल पूरे करने दें। पहले मुझे थोड़े शकूक थे कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये मुल्क में जो मैंडेट की चोरी हुई, जो आइन और कानून की पामाली हो रही है और जो बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, शायद उनको थोड़ी सी खिफत है। लेकिन अभी नून कुल के सामने आ गई है और इन्होंने ओन कर दिया कि 2 या 2.5 सालों में जो पीटीआई के साथ हुआ है ये सब कुछ इनकी माँ पे हुआ है, ये सब कुछ इनके फायदे के लिए हुआ है। अभी ये देखें थ्रेट कर रहे हैं पीटीआई पे पाबंदी लगाएंगे, ये थ्रेट कर रहे हैं कि जी टेररिज्म के या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये लोग कभी भी जमहूरी अकदार से आशना ही नहीं थे, ये लोग इस मुल्क में उन वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो टिरनी, डिक्टेटरशिप और मुल्क में तवाइफुल मलूकी को जन्म दे सके। मरियम बीबी और मियां शहबाज शरीफ ये मैंडेट चोरी करके हुकूमतों पे बैठे हुए हैं, और इससे बढ़ के क्या आइन शिकनी हो सकती है कि आपने 9 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट इतनी बुरी तरह चोरी किया और आपने आइन को तोड़ा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन
और तमाम से रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें, और उस ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को आपने इनका हुलिया ही बिगाड़ दिया। आइन छिकनी तो ये होती है। बहरहाल ये जो बयानात हैं और जितने इकदाम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये अपना अपनी छवि जो है मजीद कभी से कभी तर बना रहे हैं। जो शेर अफजल मरवत साहब, सनम जुवेद को गिरफ्तार किया गया, बाद में पार्लियामेंट भी लेके जाया गया और बाकी भी पीटीआई की जो खवातीन हैं उनको पकड़ा गया, अभी भी पेश किया गया अदालत में, क्या कहना चाहेंगे आप? किसको पेश किया? अभी जो कल खवातीन पकड़ी हैं ऑफिस से पीटीआई के, 13 खवातीन पीटीआई के ऑफिस से कल ये तो पूछ रहे थे सर, आप पीटीआई से बेखबर हैं? नहीं, मैं तो आपको बताया ना कि मैं किसी तरीके से कनेक्ट ही नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आराम से साइड पे हूँ। ये दफ्तर से बात किया गया या खुद साइड पे हुए हैं? मैं किस तरह के सवाल का, आप देख नहीं रहे मैं किस तरह साइड पे हूँ? मतलब किया गया आपको? ये जो हालात बन चुके हैं ये कब तक नॉर्मलाइज हो जाएंगे? क्या एक्सपेक्टेशन की है? हालात साहब क्या कहना चाहते हो? जो खान साहब से मुलाकात है वो होगी जब खान तलब करेंगे। ये बार बार मैं कह चुका हूँ, जवाब पूरा देने भाई आप साफ ही नहीं है। जहाँ तक बनू के हालात की बात है, बड़ा ही दिल खराश वाकया है। मुल्क में जो अरबाब इकतदार हैं वो ये इदराक रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में खसूसन सरहदी अज़ला में अमन अमान की सूरत हाल जो है ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लेकिन ये भी इदराक रखना चाहिए कि जिन अस्करी कुव्वतों को ला के बाजवा और फैज़ के दौर में रिहेबिलिटेशन के लिए लाया गया था वो भी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के प्रीडिसेसर का फैसला था, और अब लाने के बाद इस एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि भाई इनका तदारुक करना है। मेरा ज़िला लकी मरवत शदीद मखदूश हालात से दो चार हैं। बनू पहले हमारा ज़िला हुआ करता था, लकी मरवत इसकी तहसील होती थी। अब हम दो दाल को हम पेश में बिल्कुल पड़ोसी ज़िला है, और इस जो मजमा था इसमें मेरे हलके के लोग भी गए हुए थे। जो वीडियोस आई हैं, जो इतलात आई है, अगर मजमा जो है वो मुश्तैल हुआ था फिर भी ये हक किसी को नहीं है कि इंसानी जान ले या इंसानों पे गोलियां चलाए। बहरहाल इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए, और साथ ही साथ में रियासत और केपी हुकूमत जो है वो ऐसे मामलात में आइंदा के लिए तदारुक के लिए एक पॉलिसी वज़ा करें।